वहीं नागपुर में ईवीएम के बारे में प्रश्न पूछने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस अध्यक्ष शरद पवार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर देश भर में जनताओं की भावनाओं का आदर होना चाहिए। ईवीएम को लेकर लगातार शिकायतें बढ़ती रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा दिल्ली की सभा में दिया गया बयान काफी गंभीर है। चुनाव आयोग को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, साथ ही चुनाव प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए। इसके साथ ही शरद पवार ने अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को संविधान पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हो या अन्य मुख्यमंत्री हो, या उन्हें जेल में डालने की धमकी दी जा रही है। अब देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बनी है, आगे ऐसी स्थिति ना हो इसलिए अब सभी पार्टी एकजुट होने पर जरूरत है। सुधार करने की या बदल करने की आवश्यकता है। आज दुनिया में चाहे अमेरिका हो, जापान हो, अभी बांग्लादेश हो, इन सभी देशों में अपनी सुधारी उसी की जो स्थिति है इस पर वो अमल करते हैं। वही यहाँ करने की आवश्यकता है। ईवीएम के बारे में लोगों के मन में अत्यंत फायदा हुई है, कहाँ तक सच्चाई है कि मैं कह नहीं सकता हूँ। मैं साइबर सेक्टर अंदर सोचा कि जो भी ये सब काम है ऐसी ऐसी स्थिति हो तो इसे सुधार होने की या बदल करने की आवश्यकता है।